नमस्ते, आई एम विपिन इंटरनेशनल योगा टीचर एंड आज हम करने वाले लाइंग डाउन ऑन बैक पोस्चर। सो जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमें तीन चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट, फोकस ऑन योर ब्रीथ, ब्रीथ प्रॉपर, इनहेल एक्सहेल करना है एंड होल्ड करना है। होल्ड इन प्रॉपर जितनी हो सके, अगर आप बिगिनर्स हो तो 5 to 10 seconds, इंटरमीडिएट लेवल टू एडवांस हो तो आप अच्छे से 20-30 seconds तक भी होल्ड कर सकते हो। मिनिमम 5 to 10 seconds होल्ड करने का ट्राई करिए। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेच करने के लिए आप अपना पोस्चर बिगाड़िए मत। सो पोस्चर करेक्ट करना है, टेक्निक सही यूज करनी है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लाइंग डाउन ऑन योर बैक फर्स्ट, योर बोथ हैंड्स अप, योर बोथ लेग्स स्ट्रेट एंड टुगेदर, नॉर्मल ब्रीथ। जितना हमारा फोकस ब्रीथ पे होगा उतने ही हम ज़्यादा अच्छे से पोस्चर में होल्ड कर पाएंगे और हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस भी इंक्रीज होगा। सो दोनों हैंड्स अप, दोनों लेग साथ में, बॉडी स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीथ एंड ऐसे 5 to 10 seconds रिलैक्स करना है, होल्ड करना है। आप फिट 90 and 0.8 भी कर सकते हो। जस्ट नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। Keep breathing, inhale, exhale, and your both hands side. Normal breathe. Now, first, bend your right leg. Normal breathe. Inhale and exhale. Now, up your right leg. So, जब हम starting में right leg up करने का, leg up करने का try करते हैं, तो maybe knee bend रहती है या फिर हम ज़्यादा अच्छे से विदाउट सपोर्ट होल्ड नहीं कर सकते। तो आप अगर बिगिनर्स हो तो आप दोनों हाथ से सपोर्ट दे सकते हो या दुपट्टा या योगा बेल का यूज कर सकते हो। एंड ट्राई करना है होल्ड करने का 5 to 10 seconds। नी स्ट्रेट, फीट 90 एंड कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale, exhale, right knee bend on your stomach and hold for 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale, exhale, and right leg straight. Now inhale, exhale, and bend your left knee. Normal breathe and left leg up. You can give support, dono haath se aap support de sakte ho, and hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, exhale करके left knee bend करिए stomach पे and hold कीजिए for 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, exhale and leg straight. आप 20 to 30 seconds तक hold कर सकते हो आराम से, with support और without support भी try कर सकते हो। Now inhale, exhale and bend your both knees right and left and now up your both legs. आप बॉल के सपोर्ट से या दोनों हाथ के सपोर्ट से या योगा बेल्ट का सपोर्ट से आप होल्ड कर सकते हो। नी स्ट्रेट रखनी है, फीट 90 रखनी है एंड होल्ड करना है फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now both knees bend on your stomach, hold with your both hands, hold for 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale and exhale. Now both legs straight, normal breathe and relax. Now inhale, exhale and your right leg up. Hold with your right hand and just right leg stretch right side. Body straight and right leg stretch right side. You can give support with your right hand and hold for 1. Jitna ja raha hai leg utna hi stretch karna hai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right leg up. And slowly down. Now left leg up,
लेफ्ट हैंड से आप सपोर्ट भी दे सकते हो और जितना लेग आपका जा रहा है लेफ्ट साइड पे उतना ही जाना है। आप नी स्ट्रेट करके हमें स्ट्रेच करना है। कीप ब्रीदिंग, होल्ड जितना आप जा सकते हो उतना जाना है। होल्ड करना है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale and come back. स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेचिंग आएगा, तो आप 5 seconds to 10 seconds ही होल्ड कीजिए, आप विद सपोर्ट होल्ड कर सकते हो। नाउ इनहेल एक्सहेल, दोनों लेग्स अप एंड दोनों लेग्स ब्रॉड करना है, राइट लेग राइट साइड एंड लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। दोनों हाथ से आप सपोर्ट दे सकते हो एंड ट्राई टू स्ट्रेच जितना आप कर सकते हो एंड होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale, exhale, normal breathe and relax. दोनों knees bend रखनी है, normal breathe. जब भी हम leg stretching exercise करते हैं तो उससे हमारी leg stretching improve होती है, flexibility improve होती है, हमारी legs की strength improve होती है। जब हम कोई position में hold करते हैं तब जाके हमें उसके सारे benefits मिलते हैं। Now inhale, exhale. दोनों हाथ आप हिप्स के नीचे रख सकते हो, हिप्स या लोअर बैक के नीचे। एंड नाउ दोनों लेग्स अप करना है एंड वन बाय वन लेग अप डाउन करना है। अभी हम बिगिनर्स होते हैं तो हमें 5 to 10 times ही करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now inhale, exhale, normal breathe, both hands side and just relax. So जब हम legs up down करते हैं तो उससे हमारी benefit कम होती है, हमारी legs stretching improve होती है, हमारी legs की strength बढ़ती है। Now inhale, exhale. पहले हमने one by one leg किए, वैसे ही अभी दोनों legs साथ में करने हैं। So now bend your knees. अगेन दोनों हाथ सपोर्ट के लिए लोअर बैक हिप्स के नीचे। नाउ इनहेल एक्सहेल, इनहेल कंटिन्यू 2, 3, इससे हमारी कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, बेनिफिट कम करने में हेल्प करता है, लेग्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। 5, 6, 7, 8, 9 and the last 10. Now inhale, exhale, normal breathe, दोनों knees bend and दोनों knees bend करके stomach पे रखना है। जब हम दोनों leg साथ में up down करते हैं तो कभी कभी हमें lower back पे stretch आता है, थोड़ा सा pain feel होता है, तो हम दोनों knees stomach पे रखे एंड नॉर्मल ब्रीथ में 5-10 seconds होल्ड कर सकते हैं, जिससे हमें बैक थाइस एंड बैली में भी आराम मिले। नाउ इनहेल एक्सहेल, दोनों नीज योगा मैट पे बैंड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पोजिशन इज सेतु बंदासन ब्रिज पोज। सो दोनों नीज बैंड करनी है, दोनों लेग्स का डिस्टेंस लाइक ब्रॉड आपके शोल्डर के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप दोनों हाथ से एंकल पकड़ सकते हैं तो पकड़ना है, अदरवाइज दोनों हाथ साइड में रखना है। नाउ इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथ से एंकल पकड़िए अगर आप पकड़ सकते हो तो। जब भी आप ये पोज कर रहे हो आपको राइट या लेफ्ट नहीं देखना है, आपका चिन ऑफ होना चाहिए टू अवॉइड नेक इंजरीज। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल एंड होल्ड इन ब्रिज पोज फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नॉर्मल ब्रीथ एंड कम बैक, ये हमारे बैक बेंड इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्स। ये हम 2-3 rounds में कर सकते हैं। पहले हमने 5 सेकेंड या 10 सेकेंड होल्ड किया, उसके बाद 5 सेकेंड होल्ड किया,
रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपकी होल्डिंग भी इम्प्रूव होगी, और इसके कारण अगर आप नेक्स्ट फ्यूचर में चक्रासन की प्रैक्टिस या धनुरासन की प्रैक्टिस और कोई भी बैक बेंडिंग पोज की प्रैक्टिस करना चाहो तो वो ईजी हो जाएगा। नाउ इनहेल एक्सहेल एंड राइट इन एक्सहेल एंड गो स्ट्रेट। Your right knee bend on your stomach, hold with your both hands. Keep breathing, inhale and exhale, nose and knee touch. And your left leg 30 degree up and hold for 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, exhale, thumb back and side change. When your left knee, hold with your both hands, nose and knee touch and hold 5, 4, 3, 2, 1. Inhale and exhale, come back. Now your both knees bend on your stomach. Hold with your both hands. And now Paramuktasana. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप regular Paramuktasana की practice करते हैं तो lower back पे भी अच्छा लगता है and हमारी gastric issues के लिए best है। अगर हमें गैस्ट्रिक इश्यू है तो हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ इनहेल एक्सहेल एंड बोथ लेग स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीथ, योर बोथ हैंड्स अप। नेक्स्ट पोजीशन इज नौकासना, बोट पोजीशन। सो इनहेल एंड एक्सहेल दोनों साइड से अप आना है, ये बेस्ट है, हमारी बेली फैट कम करने में हेल्प करता है, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करता है, हमारी कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है। सो नेक्स्ट जब आप फ्यूचर में पोज करते हो, एडवांस पोस्चर, बैलेंसिंग पोस्चर, अपसाइड डाउन पोजेस की प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। जनाब इनहेल एक्सहेल दोनों साइड से अप आना है वी शेप में। जब भी आप बैकवर्ड स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा लेग्स अप ना आ पाए तो आप दोनों हाथ से होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बैक स्ट्रेट, दोनों लेग स्ट्रेट एंड होल्ड, नॉर्मल ब्रीथ रखें। या तो अगर आप अच्छे से होल्ड कर सकते हो तो आप विदाउट सपोर्ट ट्राई कर सकते हो। ट्राई टू होल्ड फॉर 5, 4, 3, 2 एंड मिनिमम ट्राई करना है 5 to 10 seconds होल्ड करना। स्टार्टिंग में आप जल्दी से डायरेक्ट सेकेंड ज़्यादा अच्छा होल्ड ना कर सको तो पहले 5 seconds करो, वापस आओ, उसके बाद फिर वापस से आप चाहिए 2-3 rounds में आप होल्ड कर सकते हो। नाउ इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथ, दोनों हैंड साइड में, दोनों नीज बाय करनी है। इनहेल एंड एक्सहेल, नाउ दोनों लेग्स के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है। दोनों लेग्स राइट जाए तो आपको देखना है लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड जाए तो आपको देखना है राइट साइड। अब जब भी मॉर्निंग में उठते हो आपको बॉडी पे स्टिफनेस फील होती है तो आप अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठते हो आप बेड पे ही इसको 10-15 times कर सकते हो, रात को सोने के टाइम पे कर सकते हो। इससे आपको लोअर बैक का पेन अगर है तो कम हो जाएगा, नेक इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर नेक पे पेन है तो भी उसमें भी आराम मिलेगा। कंटिन्यूस 10-15 times हमें करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है लेग्स आपके प्रॉपर डाउन ना जाए तो आप ट्राई कर सकते हो राइट लेग लेफ्ट थाई पे रखिए एंड उसको स्ट्रेच कीजिए। लेग्स जिस साइड जा रहे हैं आपको उसकी ऑपोजिट साइड में आपको स्ट्रेच करना है। नाउ इनहेल एक्सहेल, आपको ऑपोजिट साइड देखना है। कीप ब्रीथिंग, आप 10-15 times कर सकते हैं। आप थर्ड टेक्निक भी यूज कर सकते हो, दोनों नीज बैंड करिए स्टमक पे, राइट साइड ले जाइए आपको देखना है लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ले जाइए आपको देखना है राइट। 2-3 times आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे भी लोअर बैक में काफी आराम मिलता है। नाउ इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथ, दोनों लेग स्ट्रेट कर दीजिए, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। नाउ इनहेल एक्सहेल and start cycling 1, 2, 3, 4, 5 10-15 times कर सकते हो एंड then एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। पहले 5 times कीजिए उसके बाद नॉर्मल ब्रीथ कीजिए उसके बाद वापस से कर सकते हो, 10-15 times करना है। नाउ इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथ, दोनों लेग स्ट्रेट कर दीजिए, दोनों हाथ साइड में, फिर से राइट लेग अप कीजिए, राइट नी बैंड करके लेफ्ट
नी पे रखिए, इनहेल एक्सहेल करके आपका राइट लेग आप लेफ्ट साइड टर्न होगा और आपको देखना है राइट साइड। आप लेफ्ट हैंड से राइट लेग को सपोर्ट भी दे सकते हो एंड होल्ड फॉर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल एक्सहेल कम बैक आप 5 to 10 सेकेंड मिनिमम होल्ड कर सकते हो। नाउ लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट नी बैंड एंड लेफ्ट लेग राइट साइड स्ट्रेच कीजिए और आपको अपोजिट साइड देखना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथ एंड कम बैक। नाउ दोनों लेग्स बटरफ्लाई पोज में, दोनों हाथ साइड में, नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। जस्ट क्लोज योर आईज, नॉर्मल ब्रीथ। Keep breathing. आज जो भी अपने लाइन डाउन पोजेस किए वो बहुत बेसिक है, बट जब हम बेसिक योगा आसनास की प्रैक्टिस करते हैं तब जाके हमारे लिए एडवांस आसनास इजी हो जाते हैं। तो बेसिक योगा आसनास आर द पिलर्स। अगर हमारे बेसिक आसनास स्ट्रांग होंगे तो एडवांस पोस्चर्स ऑटोमेटिक हमारे लिए इजी हो जाएंगे। जितना अच्छा हम होल्ड करेंगे उतने ही अच्छे से हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड यस, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 डेज करो और फिर भूल जाओ। आप ट्राई करो, एवरी डे नहीं कर सकते, अल्टरनेट डे करो या रेगुलर एटलीस्ट ट्राई करो। मिनिमम 30 मिनट्स भी आप प्रैक्टिस कर सके। दोनों लेग ब्रॉड, दोनों हाथ साइड में, नॉर्मल ब्रीथ एंड गो फॉर अ शवासना। जस्ट क्लोज योर आईज, योर बोथ हैंड्स साइड, योर लेग्स ब्रॉड, नॉर्मल ब्रीथ। जस्ट कीप ब्रीथिंग। Your right hand on your chest, your left hand on your stomach, and just heal your chakras. Keep breathing and feel the way you inhale and your stomach out. Exhale and your stomach in. Focus on your breath and say thanks to God, thanks to universe for everything you have. Smile on your face. Keep breathing. Your both hands on your face. Cover your face with your both hands. Your both hands on your head. Relax your mind. Relax your body. Now inhale, exhale and turn your body left side. And left hand uterus pillow. You can bend your with both knees. Eyes closed, normal breathe, smile on your face. Inhale and exhale, sit on your yoga mat. Keep breathing, sit comfortable, try to sit on your hips, your back straight. Your hands in mudra. Normal breathe. And 3 times Om chanting. Inhale. जैसे कि मैंने बोला बेसिक योगा आसनास आर द पिलर्स। अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एडवांस योगा आसनास हमारे लिए इजी हो जाएंगे। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तीन में ध्यान रखना है, हमारा पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, आपका ब्रीथ पे फोकस होना चाहिए। एंड थर्ड, हम जो भी योगा आसनास की प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें होल्डिंग करना है। जितना अच्छा होल्डिंग करेंगे उतना ही हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सो यस, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।